भाई बात मान ना, भाई बात मान, बताने दे। अरे भाई सबको कुछ और ही लगता है, बात तो समझ। तू रहने दे, हम बता रहे हैं ना, हमको बताने दो, सही चीज बताने दे भाई, रुक जा। हाय फ्रेंड, तो मैं यो शुभम, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक आप थंबनेल देख के जान गए होंगे क्या है टॉपिक। और आप लोगों को क्या लगता है कि यूट्यूब पे पैसा वीडियो डाले और आना चालू, मतलब आज वीडियो डाले और उसके गदगद गदगद पैसा आते जा रहा है, आते जा रहा है, व्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, व्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है ना। बहुत जन को क्या लगता है कि लाइक आ रहा है, पैसा आ रहा है, कमेंट, कोई कमेंट बहुत ज्यादा कर रहा है तो पैसा आ रहा है, शेयर करने में पैसा आ रहा है। ये सब बिल्कुल भी गलत है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो बिल्कुल गलत है, या उसको कुछ पता नहीं है, या आपको बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बनते जा रहे हैं। पैसा आने का सीधा सा उपाय है वीडियो में ऐड आना। अगर आपके वीडियो में ऐड आ रहा है तो पैसा आना चालू हो गया। अब इसका प्रोसेस क्या है वो बता रहे हैं आपको। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप चैनल अगर बनाए हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वाचिंग टाइम होना चाहिए, और 1 साल के अंदर तब आपका चैनल का मोनेटाइज होगा। उसको कहा जाता है, अगर हिंदी भाषा में, तो चैनल का लाइसेंस बनता है कि आप एक क्रिएटर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप अपना एक कंटेंट डालते हैं, तो आपको ये लाइसेंस दिया जाता है कि अब आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। ये हिंदी एकदम शुद्ध ठेठ भाषा में ये समझा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप वो डालने के, वो होने के बाद आपका एड आना चालू हो जाएगा। अब कंडीशन यह है कि आप पैसा आता कैसे, एड तो आने लगा, एड का पैसा आने लगा, पर अकाउंट में पैसा कैसे जाएगा ये आप सुन लीजिए। सबको बोलता होगा कि यार यूट्यूब पर तो बैंक से जाके निकाला जाता है, बैंक से बिल्कुल भी पैसा नहीं निकाला जाता। बैंक में जाके कोई फॉर्म भर के दीजिएगा, यूट्यूब का फॉर्म रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका ही प्रोसेस बताते हैं। अगर आप वीडियो डाले, आपका एड आने लगा, तो एड आने के लिए भी आपको कुछ प्रोसेस करना होगा। क्या होगा कि अगर वीडियो आप डालते हैं, उसके बाद एक यूट्यूब स्टूडियो में आप जाइएगा, तो वहां पे मोनेटाइज ऐड करने का एक ऑप्शन आता है, उसमें जाके आपको क्लिक करना होगा। उसमें चार तरह का ऐड आता है। एक आता है स्किप ऐड, जो शुरू में आएगा, एक आता है बीच में, आप देखते होंगे यूट्यूब पे ऐड आता होगा, कभी शुरू में आता होगा, कभी बीच में आता होगा, कभी लास्ट में आता होगा, कभी डबल डबल ऐड आता होगा, एक आया फिर एक आया, ऐसे होता होगा। तो वो सब सबको क्लिक करना रहता है, डन करके ओके करना रहता है। ये हो गया यहाँ का प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, यूट्यूब पे अगर सोच के देखिए कि आपको, आप मतलब नॉर्मल चैनल है, कॉमेडी का चैनल है, या आप कुछ टेक बना रहे हैं, टेक्निकल है, तो ये सब में थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है, जो पैसा मिलता है वो कम मिलता है। और जो जैसे अनबॉक्सिंग का है, मोबाइल का है, ये सबको खूब पैसा मिलता है। क्यों बताते हैं, क्योंकि अगर आप मोबाइल अनबॉक्सिंग करते हैं तो उसमें मोबाइल का ऐड आता है। सब ऐड हर वीडियो में आता है, पर बड़ा बड़ा क्रिएटर का ऐड अपने से कंपनी देता है कि नहीं इसको ये ऐड देना चाहिए, ये ऐड देना चाहिए। और सबसे ज्यादा ऐड बनता है मोबाइल का ऐड में, कैडबरी का ऐड में, नेस्ले कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट है, उसके बाद टी सीरीज हो गया, फिर जितना भी बॉलीवुड का बड़ा बड़ा, मतलब जितना भी बैनर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सबका मूवी का ऐड, ये सब जो भी आता है, ये सब में खूब पैसा बनता है। और अगर आपका सोच के देखिए कि 1000 रुपया बना है, तो 1000 रुपया में आपको मात्र 600 रुपया मिलेगा, और 400 रुपया यूट्यूब वाला रखेगा, वो टैक्स काट के अपना जो भी है उसका अपना फंडा है, तो वो आपको 600 रुपया देगा, 400 वो रखेगा, और पैसा आपका अकाउंट में तभी आएगा जब $100 होगा, $100 होगा तब आपका अकाउंट में पैसा आएगा। और वो पैसा कब आता है, हर 11 तारीख को, हर मंथ का 11 तारीख को आपको, आपका उस अकाउंट में पैसा चला जाएगा जिससे आप लिंक किए होंगे। और हाँ, ये सब होगा, पर वहां पैसा जाने के लिए आपको एक गूगल एडसेंस आएगा, जो गूगल एडसेंस आप मेरा पिछला वीडियो में देखे होंगे, जो पोस्ट ऑफिस से आता है, उसमें एक कोड होता है, वो कोड आपको डालना रहता है एडसेंस का, तब आपका पूरा का पूरा पैसा अकाउंट में जाएगा। तो अगर आपको कोई बोलता है कि लाइक कमेंट और व्यू से पैसा आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबको बताएं कि ऐसे पैसा बिल्कुल नहीं आता कि वीडियो डाले और व्यू बढ़ने लगा तो पैसा आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।